What's up guys, welcome back to the video. So, इस वाले वीडियो के साथ हम लोग एक और बार कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा एक्ट 7.1.1 का एक्सप्लोरेशन. लास्ट टाइम हमने किया था क्लेयर वाली बॉस का जो सबसे नीचे वाला पाथ था वो, एंड सेम हम लोग मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा ऐसा ऑर्डर में जाए, लेफ्ट टू राइट या तो फिर राइट टू लेफ्ट. तो इस बार हम लोग जो है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब जो एकदम लेफ्ट कॉर्नर वाला पाथ था वो मैंने सबसे पहले बार चूज़ किया था, एंड जस्ट अभी उसके ऊपर वाले पाथ पे जाएंगे जो कि वापस जाएगा क्लियर वाली बॉस के लिए. एंड हर बार जो है जैसे कि मैंने बताया पूरे के पूरे 7.1 में हमारे सारे के सारे जो भी बॉसेस होंगे मिनिमम हमको सबको जो है दो बार डिफीट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक्सप्लोर करते टाइम सारे के सारे बॉसेस जो है इक्वली डिवाइड कर दिए. एंड देन फिर 7.2 में जैसे हम लोग जाएंगे 2, 3 एंड 4 में, तो वहाँ पर हमारे पास चॉइस रहेगा कि जो भी इजी बॉस होगा हम जस्ट डायरेक्टली उसको फिनिश कर पाएंगे एक बार एक्सप्लोर हो जाए ठीक से. तो ठीक है, अभी ये वाले जो नोट्स है वो लिटरली आप चाहो ना तो सारे के सारे नोट्स एक पॉइंट पे इग्नोर भी कर सकते हो, एंड जस्ट अपोनेंट के जो बेस्ट काउंटर है डायरेक्टली वो भी लेके जाओगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा. एंड बट स्टिल यहाँ पर नोट जैसे कि यहाँ पर मैसेकिज्म है, मैसेकिज्म काफ़ी सिंपल है, जस्ट आपको ध्यान रखना है कि आपका सबसे पहला जो स्टन होगा या तो फिर सबसे पहला जो डीबफ होगा एवरी 7 सेकेंड्स वो शट डाउन हो जाएगा, मतलब बेसिकली वो प्यूरीफाई कर देंगे, उसकी जगह पे अपोनेंट को जो है हीलिंग भी मिलेगी. अब यहाँ पर देखो उसके बाद वाला जो नोड है डबल डाउन वो स्पेसिफिकली काम करता है स्किल चैंपियंस के ऊपर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे के पूरे इस वाले पाथ कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्किल चैंपियन ही चाहिए होंगे, नहीं तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऐसा डेफिनेटली नहीं है. आपके बेस्ट काउंटर्स लेके जाओ, हाई हीटर्स वाले चैंपियन लेके जाओ, एंड ये इस वाले नोड को इग्नोर कर दोगे तो भी कोई दिक्कत आएगी नहीं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ट्राई किया है इग्नोर करने का. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पावर फोकस 2 जो कि होगा डिफेंडर की पावर गेन जो है 2 बार्स ऑफ पावर तक काफ़ी जल्दी से पहुँचेगी, उसके बाद की जो भी पावर गेन होगी वो काफ़ी स्लो पहुँचेगी, मतलब उसके बाद फिर काफ़ी स्लो पावर हो जाएगी. आप कितना भी हिट करने की ट्राई करोगे उनको काफ़ी कम पावर गेन मिलेगी, एंड ट्राई करने जाओगे फिर भी वो SP3 पे काफ़ी रेयरली पहुँचेंगे अनलेस एंड अनटिल उनके पास कोई सेपरेट पावर गेन है. ठीक है, क्योंकि ये पावर गेन जो है वो डिपेंड करती है कॉम्बैट पावर रेट पे. अगर उनके पास सपोज हाइपीरियन हो गया, हाइपीरियन के पास कैसे है कि खुद के पास पावर गेन है तो वो खुद की पावर गेन की वजह से वो SP3 तक जा सकता है, बट आप जो हिट करोगे उससे जो पावर मिलती है वो 2 बार्स ऑफ पावर तक मैक्स जाएगी, उसके बाद काफ़ी स्लो हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाती है, 80% लेस है. एंड या मतलब ऐसे करके ये 3 नोड्स है एंड लिटरली काफ़ी सिंपल है. तो मैंने क्या किया कि इस वाले पाथ के ऊपर ना 3 रोबोट चैंपियंस हैं, एंड हम सभी को पता है कि रोबोट चैंपियंस को डिफीट करने के लिए मैग्नीटो काफ़ी अच्छा रहेगा, एंड जस्ट वही चीज़ मैंने की है. अगर आपके पास 6 स्टार वाला मैग्नीटो है तो भी काफ़ी सही रहेगा, 5 स्टार वाला है 565 तो भी काफ़ी सही रहेगा. ध्यान ये रखना है कि जैसे ही इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखना कि यहाँ पर ना मैग्नीटो के साथ मैं इवन 30-40 प्रोग्रेस बिल्डअप करने के बाद भी एक SP3 में अपोनेंट मर नहीं रहा है, जो कि मेरा डैमेज एक्चुअली आना चाहिए था, एंड वो मेरे को अभी इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि मैसेकिज्म की वजह से ना मेरा एक आर्मर ब्रिक जो है जैसे मैं अपना लॉन्च कर रहा हूँ स्पेशल अटैक SP3 तो ऑन द स्पॉट वो जो एक आर्मर ब्रेक है वो ऑलरेडी रिमूव हो जा रहा है, क्योंकि देखना जैसे ही SP3 का एनिमेशन ख़त्म हो जाएगा तो अपोनेंट की साइड जो है वहाँ पर प्यूरीफाई लिखा हुआ आएगा, मतलब मेरा डैमेज ऑलरेडी आधा हो चुका है. तो इसी की वजह से मेरे को 2 SP3 लॉन्च करने पड़ रहे थे हर जगह पे कहीं पर जो भी मेटल चैंपियन था उसके लिए. ठीक है, एंड देन फिर उसके अलावा यहाँ पर एक साइंस चैंपियन है, एक यहाँ पर घोस्ट राइडर है नॉर्मल वाला, एंड देन फिर किंग रूट है. ठीक है, अब मैंने इसमें क्या ट्राई किया है कि यहाँ जैसे अगर नोड को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको स्किल चैंपियंस ऐसे लेके जाने जो ब्लीड मतलब जो ब्लीड अप्लाई करते हो, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर लुक केज ब्लीड इम्यून है, आप ब्लीड अप्लाई करने की ट्राई करोगे वो ब्लीड इम्यून रहेगा, एंड उसी की वजह से आपको क्रिटिकल रेटिंग मिलेगी. तो डायरेक्टली अगर सिर्फ क्रिटिकल रेटिंग वाले अप्लाई करने वाले चैंपियंस लेके जाओगे तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसे कि मेरे केस में एगॉन है. ठीक है, एगॉन काफ़ी हार्ड हिट करता है जैसे उसका कॉम्बो बिल्डअप होता है, एंड मैं जस्ट वो हिट करने की ट्राई कर रहा हूँ, एंड इवन उसका SP2 जो है वो ब्लीड देता है, बट मैं SP2 पे तो जाऊंगा ही नहीं क्योंकि मेरे को ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने अपनी टीम के बारे में नहीं बताया, तो टीम में कुछ ज़्यादा खास था नहीं, एगॉन मेरा मेन चैंपियन रहेगा, एगॉन एंड रेड मैग्नीटो, उसके सपोर्टिंग में 2 और चैंपियन थे जैसे कि निक फ्यूरी एंड क्विक वाली सीनर्जी जो मेरे को इवेंट चार्ज प्रोवाइड करेगी, 3 इवेंट चार्जेस, एंड देन फिर एक और चैंपियन था सपोर्टिंग वाला जो कि था व्हाइट मैग्नीटो, क्योंकि देखो अभी मैसेकिज्म है ना
तो व्हाइट मैग्नीटो काफ़ी इसका यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है जैसे आप पैरी करोगे आपकी पैरी जो है पैसिव स्टन अप्लाई करेगा एंड देट फिर आप कंटिन्यूसली सारे की सारी फाइट बिना कोई क्या कहते हैं अट के आप कर सकते हो। एक और बात कि ये वाली जो एगन वाली फाइट है वो थोड़ी बहुत जो है फास्ट फॉरवर्ड है, क्योंकि बेकार में काफ़ी लंबी है एंड फाइट में लिटरली कुछ भी नहीं है, जस्ट मैं एगन लेके जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर लूक केज को हिट कर रहा हूँ एंड उसके स्पेशल अटैक्स बेट कर रहा हूँ, उसके अलावा लिटरली कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन मैसे किस्म भी ट्रिगर नहीं हो रहा, क्योंकि एगॉन के पास एक ही ऐसा डीबफ है जो अप्लाई कर सकता है जो कि है स्टन डीबफ एंड उसकी जगह पर मैं पैसिव स्टन डीबफ अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैसे किस्म से ना उसको हीलिंग मिल रही है एंड ना ही मैं उसका अपना SP 2 लॉन्च कर रहा हूँ जिसकी वजह से कोई भी ब्लीड इम्यूनिटी ट्रिगर हो ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, बट स्टिल अगर आपका कोई इससे भी अच्छा खासा चैम्पियन है जो पूरे के पूरे पाथ को कम्प्लीट कर सकता हो एंड देन फिर रोबोट्स को भी हिट कर सकता हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो एक कोई चैंपियन ले जाओ एंड डबल अगर व्हाइट मैग्नीटो तो वो भी लेके जा सकते हो, ताकि हर एक चैंपियन के लिए आपको एटलीस्ट एक प्री फाइट मिल जाए, क्योंकि अगर आप दो व्हाइट मैग्नीटो ले जाते हो तो स्टार्टिंग के तीन प्री फाइट जो है 6-star वाले मैग्नीटो से लगाओ एंड नेक्स्ट के बच्चे को जो 3 प्री फाइट है वो दूसरे कोई 5-star वाले व्हाइट मैग्नीटो से लगा सकते हो, तो डायरेक्टली आप ऐसा भी कर सकते हो। बट स्टिल मेरे पास अगर मेरे को करना चाहता था ना तो मैं कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली आई गेस मेरे पास 5-star में रेड मैग्नीटो अवेलेबल नहीं है। जैसे मेरे को मिल जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जस्ट इन केस अगर फ्यूचर में कहीं पर आगे वाले 7.2, 3, 4 में कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली हम वैसा ट्राई कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल मतलब कोई भी एक ऐसा कोई एक ही चैंपियन जो पूरा का पूरा पाथ कंप्लीट कर सके, तो नहीं तो फिर थोड़ा बहुत जो है दिक्कत देगा, क्योंकि पाथ के काउंटर्स भी लाने हैं, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मैं मैग्नीटो जिस वाली फाइट में लेके जा रहा हूँ भले वो मेटल वाली चैंपियंस हो, बट फिर भी उन लोगों का जो है मैसा किस्म ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि मेरा जो मैग्नेटिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ 75 या तो फिर समथिंग 70% तक की एबिलिटी एक्यूरेसी रिडक्शन कर देता है, बाकी के बचे 30% में डेफिनेटली उनके पास चांस रहेगा कि वो मैसे किस्म ट्रिगर करे, आपकी पैरी फेल हो सकती है, इवन आपके डिबस भी फेल हो सकते हैं, आपके आर्मर ब्रेक भी फेल हो सकते हैं। इसी की वजह से देखना कि मेरे अपना SPD लॉन्च करने के बाद भी सिर्फ आधा ही डैमेज हुआ, वो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक और आर्मर ब्रेक अप्लाई नहीं हो रहा है एंड इसी की वजह से मेरा डैमेज आधा हो रहा है। उसके अलावा फ़ाइट काफ़ी सिंपल है, क्योंकि अगर आप कोई नॉर्मल वाले नोड पे रोबोट चैंपियंस को फाइट करोगे तो अनलेस एंड अनटिल कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल है उनके, उसके अलावा कोई भी टाइप का डैमेज सोर्स ऐसा नहीं कि जो मैग्नीटो इग्नोर ना कर सके वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड देन फिर मैग्नीटो काफ़ी अच्छा भी रहेगा, क्योंकि मेटल चैंपियंस के सामने उसके पास परफेक्ट ब्लॉक का ऑप्शन है, वो काफ़ी कम ब्लॉक डैमेज लेगा एंड उसके पास चांसेस ऑफ एरर भी काफ़ी कम है। जस्ट आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि आपकी पैरी फेल हो सकती है तो उसके लिए हमेशा आपको रेडी रहना पड़ेगा एंड वगैरह वगैरह। बट स्टिल जैसे कि अगर आपको स्किल चैंपियंस में चैंपियंस यूज़ करने हो जो इस वाले पाथ को मदद कर सकते हैं, तो एक निक फ्यूरी है जिसके बेसिक हिट्स में काफ़ी सारा ब्लीड अवेलेबल है, बट जैसे कि अपोनेंट हमारे ब्लीड इम्यून होंगे तो उसकी जगह पे नोड की वजह से आपको क्रिटिकल रेटिंग मिलेगी, तो आपको जस्ट हाई क्रिटिकल रेटिंग वाले चैंपियंस लेके जाने हो तो वैसे आप कर सकते हो, जैसे कि हिट मंकी हो गया, ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पर ग्वेनपूल हो गई जस्ट इन केस अगर आपको लेके जाना हो तो, एंड देन फिर यहाँ पर मोलमैन हो गया, वो अपने फेंजी में ट्रिगर एंटर करेगा तो वहाँ से भी आप काफ़ी सारा जो है क्रिटिकल हिट अप्लाई कर सकते हो। स्पाइडरमैन स्टेल सूट वो बेसिकली डैमेज के लिए अवेलेबल रहेगा, शैंगची है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा डैमेज के लिए, एंड देन फिर दूसरे भी काफ़ी सारे चैंपियन हैं जैसे कि ब्लेड, बट ब्लेड स्टिल यहाँ पर आई गेस एक या दो विलन चैंपियंस अवेलेबल होंगे, विलन या फिर डायमेंशनल बींग, तो आप उनके सामने ब्लेड की जो डेंजर सेंस वाली एबिलिटी है वो भी ट्रिगर कर सकते हो अगर आप सही से सीनर्जी पार्टनर लेके जाओ तो। एंड सेम यहाँ पर अगेन हमारा गोस्ट राइडर वाली फाइट है, तो गोस्ट राइडर वाली फाइट के अंदर भी मैंने थोड़ी बहुत जो है फास्ट फॉरवर्ड की है, क्योंकि कुछ भी जैसे कि मैंने लुक केज वाली फाइट में बताया कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं हो रही है, जस्ट यहाँ पर मैंने व्हाइट मैग्नीटो की प्री फाइट इस वाले केस में नहीं लगाई है, तो शायद थोड़ी बहुत लंबी है फाइट, क्योंकि यहाँ पर देखना थोड़ी बहुत बीच बीच में जैसे मैं पैरी करूँगा तो अपोनेंट का मेरा जो स्टन है वो अपोनेंट को प्योरीफाई होगा एंड उसके बाद मेरे को वापस एक और स्टन अप करना पड़ेगा, तो इसके लिए ना आपको रीपैरी मास्टरी वाली चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता रीपैरी वाली मास्टरी तो आई गेस मैं वहाँ पर कार्ड पे आई बटन पे कहीं पर दिखा दूंगा कि वो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है तो डायरेक्टली जाके देख सकते हो पैरी पर भी एंड रीपैरी पर भी, तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाएगा कि रीपैरी कैसे करनी है एंड देन फिर खुद आप ट्राई कर पाओगे।
क्योंकि अभी के मेटा में है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन आप अगर आप बैटल ग्राउंड के लिए जाओगे तो बीच में हमने मैसेकिज्म वाले नोड्स देखे थे, एंड देन फिर हमने ये वाला अभी जो पावर स्नैक एंड वगैरह वगैरह वाले जो नोड्स अभी करंटली जो चल रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारी जगहों पर आपको मदद भी कर सकते हैं। बट यह फाइट काफ़ी सिंपल थी, काफ़ी जल्दी से जो है फिनिश हो गई। एंड एक और चीज़, मतलब इस वाले फाइट में मैंने प्री फाइट इसीलिए नहीं लगाई क्योंकि इसके बाद की जो दो फाइट्स थी ना वहाँ पर मेरे को डेफिनेटली चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर देखो इस वाली प्री फाइट में एक्चुअली, हाँ एक और बात मैं जो बताना रह गया था कि व्हाइट मैग्नेटो की जो प्री फाइट है वो सिर्फ और सिर्फ काम आती है हीरो चैंपियंस के सामने। अगर आपका चैंपियन हैशटैग हीरो है तो ही वो पैसिव स्टन अप्लाई कर पाएगा, नहीं तो वो पैसिव स्टन अप्लाई नहीं कर पाएगा। एंड यही चीज़ मैं गलती कर देता हूँ क्योंकि रेड मैग्नेटो जो है वो विलन है। मैं भले ही यहाँ पर प्री फाइट अप्लाई कर दूँ एंड मैं यहाँ पर फाइट में जाके पैरी कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ी देर के बाद मेरे को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर पैसिव स्टन की जगह नॉर्मल स्टन क्यों अप्लाई हो रहा है। फिर मेरे को ऐसा क्लिक हुआ कि नहीं, मतलब उसकी जो व्हाइट मैग्नेटो की प्री फाइट है वो सिर्फ और सिर्फ काम करती है पैसिव स्टन अप्लाई करने में हीरो वाले चैंपियंस के ऊपर, उस बात की ध्यान रख लेना। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो एक यहाँ पर प्री फाइट शायद वेस्ट हो गई, बट मेरे को ना थोड़ा बहुत बूस्ट डैमेज मिला जो 15% अटैक इंक्रीज का है, एंड सीनर्जी भी है वाइट मैग्नेटो एंड नॉर्मल मैग्नेटो के साथ एक दूसरे की, तो वहाँ पर से भी थोड़ा बहुत ये मिल रहा है, ठीक है, तो उस बात का देखना पड़ेगा। एंड देन फिर ये हमारा क्लासिक अल्ट्रॉन है। अभी जिन लोगों को क्लासिक अल्ट्रॉन नहीं मालूम तो ध्यान रख लेना क्योंकि वो काफ़ी सारा जो है इवेट करता है, एवरी 7 सेकेंड्स जो है इवेट करता है, नॉर्मल अल्ट्रॉन की तरह ही है। बट नॉर्मल अल्ट्रॉन में कैसा है कि हमको वो क्या कहते हैं इवेट वाले चार्ज का ड्यूरेशन दिखता है कि भाई अभी इवेट ट्रिगर होना स्टार्ट होगा या वगैरह वगैरह, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होता, तो आपको हर बार ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका यह नेक्स्ट वाला हीट डेफिनेटली इवेट हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ इस ऐसे वाले केस में कि जैसे ही उसका एक SP अटैक लॉन्च हो जाता है, मतलब वो अपना SP1 लॉन्च करे, मैं उसको बेट करवाता हूँ, ठीक है, वो जैसे ही वो लॉन्च करेगा मेरे को मालूम रहेगा कि मेरा नेक्स्ट वाला अटैक जो है मिस हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही अटैक करता हूँ एंड देन फिर रुक जाता हूँ, मतलब नेक्स्ट अगेन पैरी करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। अगर वो इवेट कर लेता है एंड देन फिर मेरे को काउंटर अटैक करता है तो मैं डेफिनेटली पैरी कर लूँगा, बट अगर मेरी एबिलिटी एक्यूरेसी डिटेक्शन की वजह से वो इवेट नहीं करता तो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत डैमेज कर दिया। एंड ऐसा करके मैं स्लो प्ले खेल रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मेरे को ज़बरदस्ती, मतलब क्या कहते हैं कि उतावल करने की डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आराम से फाइट ख़त्म हो जाएगी। फ़ाइट थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है एंड ऑलरेडी शायद लंबी हो ही चुकी है क्योंकि मेरा एक SP3 लॉन्च करने के बाद भी इनफ डैमेज नहीं मिल रहा, बट यार देख सकते हो अच्छा खासा रेड मैग्नेटो जो है मेटल चैंपियन के सामने, जैसे कि उसको परफेक्ट ब्लॉक मिलता है, ब्लॉक में पैरी डैमेज काफ़ी कम हो जाता है, परफेक्ट ब्लॉक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो वो एकदम 0-0 डैमेज हम लोग जो है ब्लॉक पे ले सकते हैं, काफ़ी लंबी जो है फाइट चल सकती है एंड मैं सर्वाइव भी कर सकता हूँ काफ़ी लंबी फाइट्स में। बट या देखते हो फाइट काफ़ी जल्दी से अभी जैसे यहाँ पर ख़त्म ही होने वाली है, आई गेस ये वाला SP3 उसको अपोनेंट को किल कर देगा। एंड यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा था कि मैं मैसेकिज्म ट्रिगर करूँ बट ठीक से हो नहीं पा रहा था, मैं सोचा चलो छोड़ो जो भी है SP3 हम लोग लॉन्च कर देंगे एंड देन फिर जो होगा वो देखा जाएगा। बट या ये वाला मैंने स्किप कर दिया SP3 एंड लकीली इसको ये वाला SP3 ने अपोनेंट को किल कर दिया, ठीक है। अभी डेफिनेटली मैं अपने हिसाब से रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट एक वाइट मैग्नेटो तो लेके ही जाना क्योंकि वाइट मैग्नेटो की प्री फाइट ना स्पेसिफिकली किंग रूट वाली फाइट में काफ़ी मदद करेगी, भले ही आप स्किल चैंपियन लेके जा रहे होंगे या तो फिर नहीं, इवन आप एबिलिटी एक्यूरेसी रिडक्शन करने वाले चैंपियन भी लेके जा रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि जैसे ही किंग रूट अपने फ्यूरी वाले फेज में आता है तो जितनी फ्यूरीज होगी उतनी भी बार आपको पैरी करनी पड़ेगी एंड उतनी बार वो जो है फ्यूरी स्टन हटा देगा, आई मीन क्या कहते हैं पैरी स्टन जो है रिमूव कर सकता है, उसके पास प्यूरीफाई करने की उसकी खुद की एबिलिटी है, ठीक है। तो जिस टाइम पे मैं प्रैक्टिस रन कर रहा था ना उस टाइम पे मेरे को लिटरली काफ़ी सारी दिक्कत हो रही थी जस्ट बिकॉज यहाँ पर किंग रूट जो है कंटिन्यूसली मेरे पैरी स्टन इवेट कर रहा था, मतलब इवेट क्या प्यूरीफाई कर रहा था एंड बार बार वो रीजनरेशन वाले फेज में चला जा रहा था। तो डेफिनेटली मैं इस वाले फाइट के लिए रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आपके पास फाइट मैग्नेटो है तो डेफिनेटली टीम में लेके जाओ उसको एंड देन फिर प्री फाइट लगाओ इस वाली फाइट के लिए, एंड देन फिर बची कुची दूसरी जो दो फाइट होंगी वो आगे आपके हिसाब से देख लेना कि कौन सी डिफ़िकल्ट हो सकती है एंड कौन सी नहीं, दैन उस हिसाब से आप जो है यहाँ पर क्या कहते हैं ये लगा सकते हो प्री फाइट। बट या इस वाले केस में वापस जो है काफ़ी सारा वो SP2 लॉन्च करते जा रहा है क्योंकि पावर फोकस 2 की वजह से वो काफ़ी जल्दी से SP2 पर पहुंच जाएगा, बट हमको उसकी कोई दिक्कत नहीं है। SP2 ट्राई इवेट करने की ट्राई भी मत करना क्योंकि उसका जो पता नहीं उसका जो
वो ग्रीन जो भी मिस्ट फेंकता है उसका कोई मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं जिसको आप इवेट कर सको, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था ऑटो इवेट, मतलब क्या कहते हैं इवेट करने की ट्राई की थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो लास्ट वाला हिट था वो मेरे को क्लिप हो गया, वो मेरे को कॉन्टैक्ट कर गया एंड देन फिर मेरे ऊपर जो पूरा का पूरा पॉइजन वाला ड्यूरेशन अप्लाई हो गया। बट स्टिल यहाँ पर एगोन है तो मेरे को इतनी दिक्कत आ नहीं रहती, क्योंकि एगोन के पास इनफ कॉम्बो है कि मैं नेक्स्ट अटैक जैसे ही करूँगा तो मेरे अटैक्स जो है क्रिटिकल हिट्स की वजह से उसको प्यूरीफाई कर देंगे मेरे ऊपर जो भी डिबफ्स होंगे, तो वहाँ पर मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत आ नहीं रहती। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं एगोन इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एगोन अवेलेबल था 6-स्टार रैंक 3 में, इवन मेरे पास 5-स्टार वाला एगोन भी नहीं है तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी था नहीं, क्योंकि एगोन मेरे को एक ऐसा अच्छा खासा लगा जो प्योरली डैमेज के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा एंड देन फिर फाइट भी काफ़ी जल्दी से ख़त्म कर पाएगा अगर उसके हाई कॉम्बो एटलीस्ट 150 के ऊपर कॉम्बो चला जाता है, जैसे कि इस वाले केस में है आई गेस 100 एंड पता नहीं कितना कॉम्बो है, इस वाले केस में तो 100 कॉम्बो है बट या 138 समथिंग कॉम्बो दिख रहा है मेरे को थोड़ा बहुत, पता नहीं अभी एडिटिंग की स्क्रीन में इतना ठीक से दिखता नहीं है, आपको शायद दिख जाएगा। बट या ऐसा करके हमने ये वाली फाइट भी कंप्लीट कर दी एंड पाथ वाली फाइट सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है एंड जैसे मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये वाली क्लेयर बॉस है, तो क्लेयर बॉस में इतना कुछ खास अपोनेंट है नहीं, मतलब दिक्कत देने वाला है नहीं। यहाँ पर मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फुट लूज है एंड देन फिर आपको रोबोट चैंपियंस नहीं लेके जाना है एंड तीसरी बात कि यहाँ पर क्लेयर वॉइंट के सारे हिट्स जो है स्पेशल अटैक वाले हिट्स वो टोटली अनब्लॉकेबल है, मतलब आपको इवेट करके ही पीछे जाना पड़ेगा एंड देन फिर प्रे ऑन द वीक है, तो ट्राई करो ऐसे चैंपियंस लेके जाने कि जो लोग इम्यून हो नलीफाई स्ट्राइकर एंड फेट सेल के, जैसे कि थिंग मिस्टर नेगेटिव ओवरसीर वैसे वाले चैंपियंस लेके जा सकते हो, या तो फिर ऐसे वाले चैंपियंस लेके जाओ जो बफ ट्रिगर ही ना करते हो, जैसे कि रेड गार्डियन हो गया, स्पाइडरमैन 2099 हो गया एंड स्टिल ये पांचों के पास चैंपियंस भी ना हो तो जस्ट एक ह्यूमन टॉर्च ले जाओ बाय डिफ़ॉल्ट एंड जस्ट जहाँ पर भी हो सके ट्राई करो कि स्लो प्ले खेलने का एंड जितना हो सके उतना पैरी एंड देन फिर ट्रिपल हिट करो एंड देन फिर जैसे ही वो अपना स्पेशल अटैक लॉन्च कर देती है तो वेट करो जब तक कि उसका अनस्टॉपेबल एंड जो इवेट वाला चार्ज है इवेट वाला बफ है वो दोनों के दोनों एक्सपायर नहीं हो जाते तब तक हिट मत करना, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको इवेट कर सकती है, क्योंकि फुट लूज की वजह से उसके पास जो है चांस है कि वो इवेट कर सकती है एंड वो अनस्टॉपेबल भी रहेगी, तो भले ही आप उसको ये कर दो क्या कहते हैं वो अपना स्पेशल अटैक लॉन्च कर दे आप उसको हिट नहीं कर पाओगे तो वो एक है। बट स्टिल अगर आप शी हल्क लाना चाहते हो एंड देन फिर क्विक लाना चाहते हो तो क्विक भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहेगी, क्योंकि क्विक बेसिकली हिट नहीं करेगी, क्लेयर वॉइंट को उसकी पावर गेन नहीं मिलेगी तो आप कभी भी फुट लूज की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, तो वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट देखा जाए तो टेक्निकली काफ़ी सिंपल फाइट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने हर बार ट्राई किया है कि उसको SP2 पर ही पुश करो, क्योंकि उस टाइम पे जो है मैं काफ़ी सारे स्मोल्डर अप्लाई भी कर सकता हूँ एंड मेरे स्मोल्डर जो है वो पावर स्टिंग की तरह उसको एक्स्ट्रा डैमेज भी करेंगे, क्योंकि वही तो उसकी प्री फाइट है ह्यूमन टॉर्च की एंड ये वाला मेरा 6-स्टार रैंक 3 है। बट जैसे कि हम सभी को पता है एक्ट 7 के अंदर हर एक क्वेस्ट के अंदर एक ग्लोबल नोड है जो एक्ट 6-स्टार चैंपियंस को थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा अटैक रेटिंग एंड वगैरह वगैरह देता है, बट स्टिल अगर आप 565 वाला भी लेके जाओगे तो स्लाइटली 10-1 सेकेंड एक्स्ट्रा ड्यूरेशन में फाइट चल सकती है, उसके अलावा लिटरली फाइट काफ़ी जल्दी से ख़त्म हो जाएगी एंड या ऐसा करके आप ये वाला पाथ जो है स्पेसिफिकली वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो एंड देन फिर आप एक्सप्लोर भी कर पाओगे। तो या इतना सा था ये वीडियो एंड होपफुली अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।